कोरोना से बंद तालीमी इदारे खुलेंगे या ईद उल फितर तक बंद रहेंगे, फैसला आज होगा। तालीम और सेहत के सूबाई वज़ीरा का अहम इजलास जारी। इस्लामाबाद में तालीमी इदारों की बंदिश के खिलाफ एहतजाज। असातिज़ा और तलबा का प्रेस क्लब से डी चौक की जानिब मार्च। कारोबार की बंदिश के खिलाफ कराची के ताजर भी सड़कों पर, वज़ीर आला हाउस के सामने धरना देंगे। कोरोना केसेस बढ़ने पर पंजाब की जेलों में मुलाकातों पर पाबंदी। पाबंदी का इतलाक 10 रोज के लिए किया गया है। लाहौर में मास्क न पहनने पर 7 रोज में किए गए चालान, 64,000 से तजावुज कर गए। तो कानून चारा जो ही नहीं है, ये एक इतिहाद है। उस इतिहाद के एक फैसले को तोड़ा गया और जो उस इतिहाद का बयानिया था उसकी नफी की गई। उस पर उस इतिहाद ने पूछा है कि ये बता दें कि आपने ये काम क्यों किया। ये उस इतिहाद का अंदरूनी मामला है। 10 जमातें हैं, 2 जमातों से ये बात पूछी गई। पीपल्स पार्टी को रद्दअमल देने की क्या जरूरत है, लिखकर दे दे कि हमने कोई गलत काम नहीं किया। इत्तेहाद का फैसला तोड़ा है, जवाब तो देना पड़ेगा। शायद खाकान अब्बासी की एलएनजी रेफरेंस की पेशी पर मीडिया से गुफ्तगू, बोले शोकाज नोटिस नहीं भेजा, मौलाना ने सिर्फ वजाहत तलब की है। रमजान उल मुबारक से कबल चीनी की किल्लत दूर करने की कोशिश। टीसीपी ने 50,000 मैट्रिक टन शुगर की दरामद के लिए टेंडर जारी कर दिया। चीनी की जखीरांदोजी रोकने के लिए शुगर डीलर्स के लिए लाइसेंस की शर्त। डेप्टी कमिश्नर ने फॉर्म जारी कर दिए। डीलर हजरात से नाम, पता, गोदाम, सरमाया की तफसीलात मांगी गई है। कराची में दूध 140 रुपए तक किलो फरोख्त हो रहा है। आटा, चीनी और दीगर अशिया की कीमतें भी आउट ऑफ कंट्रोल। हुकूमत का कंट्रोल कहां है? अशियाई जरूरिया की बढ़ती कीमतों के खिलाफ समात पर सिंध हाईकोर्ट बरहम। एडवोकेट जनरल की तब्दीली पर इजहार नाराजी। जवाब जमा कराने के लिए मजीद मोहलत दे दी। लाहौर हाईकोर्ट ने 80 रुपए किलो चीनी के सरकारी हुक्मनामे के खिलाफ हुक्म इम्तनाई की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। सिंध में सूरज आज भी सवानेजे पर। पंजाब में फजा अब रालूद। मुख्तलिफ शहरों में तेज हवाएं, गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। खैबर पख्तूनख्वा में कहीं कहीं यालाबारी की पेशगोई। इस्लामाबाद, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और शिमाली बलूचिस्तान में भी बारिश मुतवक्के। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी। इंडेक्स में 334 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 43,911 पॉइंट पर पहुंच गया। बाजार रिजर्व में रुपए का डॉलर को झटका। विदेशी करेंसी की कदर 31 पैसे गिर गई। इंटरबैंक में डॉलर 153 रुपए 35 पैसे का हो गया। और सरसब दरख्तों का साया, बहते पानी का शोर और परिंदों की चहकार। ये मारगला की पहाड़ियां हैं, ये जनते अर्जी का टुकड़ा। खुशबुओं से आरास्ता गुजरगाहें, सेहत बख्श माहौल दावती नजारा दे रहा है। कोरोना से बंद तालीमी इदारे खुलेंगे या ईद उल फितर तक बंद रहेंगे, फैसला आज होगा। तालीम और सेहत के सूबाई वज़ीरा का अहम इजलास जारी। इस्लामाबाद में तालीमी इदारों की बंदिश के खिलाफ एहतजाज। असातिज़ा और तलबा का प्रेस क्लब से डी चौक की जानिब मार्च। कारोबार की बंदिश के खिलाफ कराची के ताजर भी सड़कों पर, वज़ीर आला हाउस के सामने धरना देंगे। कोरोना केसेस बढ़ने पर पंजाब की जेलों में मुलाकातों पर पाबंदी। पाबंदी का इतलाक 10 रोज के लिए किया गया है। लाहौर में मास्क न पहनने पर 7 रोज में किए गए चालान, 64,000 से तजावुज कर गए। तो कानून चारा जो ही नहीं है, ये एक इतिहाद है। उस इतिहाद के एक फैसले को तोड़ा गया और जो उस इतिहाद का बयानिया था उसकी नफी की गई। उस पर उस इतिहाद ने पूछा है कि ये बता दें कि आपने ये काम क्यों किया। ये उस इतिहाद का अंदरूनी मामला है। 10 जमातें हैं, 2 जमातों से ये बात पूछी गई। पीपल्स पार्टी को रद्दअमल देने की क्या जरूरत है, लिखकर दे दे कि हमने कोई गलत काम नहीं किया।
इत्तेहाद का फैसला तोड़ा है, जवाब तो देना पड़ेगा। शायद खाका नबासी की एलएनजी रेफरेंस की पेशी पर मीडिया से गुफ्तगू, बोले शोकाज नोटिस नहीं भेजा, मौलाना ने सिर्फ वजाहत तलब की है। रमजान उल मुबारक से कबल चीनी की किल्लत दूर करने की कोशिश, टीसीपी ने 50,000 मैट्रिक टन शुगर की दरामद के लिए टेंडर जारी कर दिया। चीनी की जखीरांदोजी रोकने के लिए शुगर डीलर्स के लिए लाइसेंस की शर्त, डेप्टी कमिश्नर ने फॉर्म जारी कर दिए। डीलर हजरात से नाम, पता, गोदाम, सरमाया की तफसीलात मांगी गई है। कराची में दूध 140 रुपए तक किलो फरोख्त हो रहा है, आटा, चीनी और दीगर अशिया की कीमतें भी आउट ऑफ कंट्रोल, हुकूमत का कंट्रोल कहां है? अशियाई जरूरिया की बढ़ती कीमतों के खिलाफ समाज पर सिंध हाईकोर्ट बरहम, एडवोकेट जनरल की तब्दीली पर इजहार नाराजी, जवाब जमा कराने के लिए मजीद मोहलत दे दी। लाहौर हाईकोर्ट ने 80 रुपए किलो चीनी के सरकारी हुक्मनामे के खिलाफ हुक्म इम्तनाई की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। सिंध में सूरज आज भी सवाने से पर, पंजाब में फजा अबर आलूद, मुख्तलिफ शहरों में तेज हवाएं, गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के, खैबर पख्तूनख्वा में कहीं कहीं यालाबारी की पेशगोई, इस्लामाबाद, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और शिमाली बलूचिस्तान में भी बारिश मुतवक्के। रमजान उल मुबारक से कबल चीनी की किल्लत दूर करने की कोशिश, टीसीपी ने 50,000 मैट्रिक टन शुगर की दरामद के लिए टेंडर जारी कर दिया। चीनी की जखीरांदोजी रोकने के लिए शुगर डीलर्स के लिए लाइसेंस की शर्त, डेप्टी कमिश्नर ने फॉर्म जारी कर दिए। डीलर हजरात से नाम, पता, गोदाम, सरमाया की तफसीलात मांगी गई है। कराची में दूध 140 रुपए तक किलो फरोख्त हो रहा है, आटा, चीनी और दीगर अशिया की कीमतें भी आउट ऑफ कंट्रोल, हुकूमत का कंट्रोल कहां है? अशियाई जरूरिया की बढ़ती कीमतों के खिलाफ समाज पर सिंध हाईकोर्ट बरहम, एडवोकेट जनरल की तब्दीली पर इजहार नाराजी, जवाब जमा कराने के लिए मजीद मोहलत दे दी। लाहौर हाईकोर्ट ने 80 रुपए किलो चीनी के सरकारी हुक्मनामे के खिलाफ हुक्म इम्तनाई की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। सिंध में सूरज आज भी सवाने से पर, पंजाब में फजा अबर आलूद, मुख्तलिफ शहरों में तेज हवाएं, गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के, खैबर पख्तूनख्वा में कहीं कहीं यालाबारी की पेशगोई, इस्लामाबाद, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और शिमाली बलूचिस्तान में भी बारिश मुतवक्के। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी, इंडेक्स में 334 पॉइंट्स का इजाफा, 100 इंडेक्स 43,911 पॉइंट पर पहुंच गया। बाजार रिजर्व में रुपए का डॉलर को झटका, विदेशी करेंसी की कदर 31 पैसे गिर गई, इंटरबैंक में डॉलर 153 रुपए 35 पैसे का हो गया। और सरसब दरख्तों का साया, बहते पानी का शोर और परिंदों की चहकार, ये मारगला की पहाड़ियां हैं, ये जनते अर्जी का टुकड़ा, खुशबुओं से आरास्ता गुजरगाहें, सेहत बख्श माहौल दावती नजारा दे रहा है।